मुंबई से अयोध्या तक 1425 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रही सबनम, दो साथी रमन राज व विनीत पांडे भी साथ चल रहे हैं। मन में राम के प्रति अटल विश्वास लेकर अयोध्या धाम पहुंचने के लिए, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए हाथ में भगवा ध्वज व श्री राम का झंडा लेकर मुंबई के शबनम निकल पड़ी हैं। शबनम खुद को सनातनी पुलिस मानती हैं। वह अपने साथ रमन राज शर्मा व विनीत पांडे के साथ पैदल निकली। शबनम की यात्रा कसरावत तहसील क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम मगरखेड़ी पहुंची है। वहीं 20 वर्षीय शबनम की यात्रा को हर कोई देखकर अचंभित हो रहा था। उसकी मुस्लिम पहचान के बावजूद भगवान राम के प्रति उसकी अटूट शक्ति है। शबनम प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करती है। अब तक 500 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा कर चुकी है। शबनम फिलहाल BCom फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है। दो मित्रों के साथ लगातार पैदल सफर तय कर रही है। शबनम का कहना है कि राम की पूजा करने के लिए किसी को हिंदू होने की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छा इंसान होना मायने रखता है। यही दृढ़ संकल्प लेकर पैदल अयोध्या दर्शन के लिए चल रही हैं। आप कहां से कहां यात्रा कर रहे हैं? पहले तो जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ। आज मुझे हो गए टोटल लगभग 10 दिन। अच्छा, आपको इस संबंध में क्या उद्देश्य लगा राम के प्रति जो आपने मतलब अयोध्या के लिए रवाना हो गए यात्रा के लिए? देखिए, हम दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, बस हम निकल पड़े हैं और हम राम जी की धरती पे रहते हैं और भारत में रहती हूँ मैं, पड़ोसी मुल्क में नहीं रहती हूँ। बचपन से मैंने राम जी के बारे में, राम जी नहीं, बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है। और मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पर पूरा हिंदू इलाका है। अभी आप कितनी दूरी तय कर चुके हैं? हमने 490 के ऊपर हमने दूरी तय कर दी है। कब तक आपका लक्ष्य है अयोध्या तक पहुंचने का? कोई लक्ष्य नहीं है, हमें 22 जनवरी को नहीं पहुंचना है, हम पहुंचेंगे भी नहीं। जब भी हम पहुंचेंगे हम दर्शन लेके जाएंगे। आपके साथ में जो है ये भी इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनीत पांडे, इनका नाम है रमन राज शर्मा। अच्छा, आप तीन जन जा रहे हैं, आप क्या नाम लिखते हैं? आप नाम, आपका नाम? मेरा नाम शबनम शेख है। अच्छा, निवासी आप कहाँ? महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र,